दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बात करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पता होगा कि अब हाल फिलहाल में स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। मैं स्टॉक मार्केट में मेरी ज्यादा रुचि भी नहीं है और मेरा मुझे जानकारी भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। ये जो घटना घटी है, मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि ये ज्योतिष विद्या से क्या इसका कोई संबंध है, क्योंकि ऐसा ही एक घटना आज से लगभग 30 साल पहले हुई थी, 92 में 23 अप्रैल को, जब हर्षद मेहता का ऐसा एक कांड सामने आया था। मैं उस कांड को इस कांड से मिलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। उस वक्त भी मकर राशि में शनिदेव थे, इस वक्त भी जब तक ये मेरे ख्याल से जो भी चल रहा था, कुल मिलाकर के मकर राशि से 17 जनवरी को शनिदेव गोचर करके कुंभ राशि में आ गए हैं। जानने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ग्रहों की ऐसी क्या परिस्थिति मन के सामने आई है जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी उथल पुथल मची हुई है। इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा और उसी को समझाने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, आज की परिस्थिति जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, अभी ग्रहों की परिस्थिति जो पोजीशंस हैं वो इस तरह से हैं कि 17 जनवरी को शनि देव मकर राशि से गोचर करके चले गए थे कुंभ राशि में। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं। मैंने फिर कहा था सूर्य शनि देव को अस्त करने जा रहे हैं 30 जनवरी को, वो हो चुका। मैं ये भी बता चुका था आपको कि जैसे ही शनिदेव प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, गुरु जो धन से संबंध रखते हैं, बैंक से संबंध रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से संबंध रखते हैं, वो पापकत्र योग में आ जाएंगे। इसलिए मैंने पीके लिखा है यहां पे, राहु और शनि के बीच में ये फंस जाएंगे। अब आप सभी को पता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं, शेयर मार्केट को देखते हैं, तो पंचम भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर पंचम भाव जो है काल पुरुष की कुंडली में, यहां पर मंगल की दृष्टि है चौथी दृष्टि 1 2 3 4, राहु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5। ये दो दृष्टि तो बनी हुई थी, राहु की तो काफी दिनों से बनी हुई थी, लेकिन हुआ क्या अब जैसे ही शनिदेव यहां पर आ गए 17 जनवरी को, शनिदेव की दृष्टि सातवीं दृष्टि यहां पड़ गई, अस्त हो गए, वो तो अस्त शनि यहां पे देखने लगे 30 तारीख को, सूर्य की दृष्टि यहां पे पड़ने लगी, सूर्य इसी घर के मालिक हैं, ठीक है। अब केतु यहां से सूर्य को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। गुरु जो काल पुरुष कुंडली में दो भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है नवा भाव और बारवा, दोनों का संबंध विदेश से है, विदेश जाने से है, फॉरेन लैंड से है। तो ये जो भी कुछ उजागर हुआ, जो फर्म ने इसको उजागर किया, वो भी एक फॉरेन लैंड से ही ये चीज निकल के आई है, ठीक है। अब अगर हम भारत की कुंडली के हिसाब से, जो कि कर्क राशि की है, देखें तो ये पांचवा भाव, जो मैं पांचवा बोल रहा हूं, ये भारत के हिसाब से दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव भी धन भाव होता है, जो एकृत धन जहां पे पड़ा होता है वहां पे है, तो यहां पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये अभी कुछ दिनों तक बनी हुई हैं, मार्च अप्रैल तक ये जाएंगी, तो इस वक्त ये सिचुएशन ये दर्शाती है, बताती है कि आने वाला समय थोड़ा और कठिन हो सकता है। आप लोग में से जो भी शेयर मार्केट वगैरह में खेलते हैं,
निवेश करते हैं, जो भी करते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और जितना मेरा नॉलेज है, ज्ञान है, उसके मुताबिक मैं इस वीडियो में उन चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश मैंने की है। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। आप सभी लोग जानते हैं अब एक नया चैनल हिंदी का मैंने शुरू किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े ताकि मैं आप लोग तक पहुंच पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।